नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट हाइडलबर्ग या फिर हाइडलबर्ग सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने अनाउंस किया है अपना डिविडेंड प्लस रिकॉर्ड डेट एंड जो वीकली चार्ट है, काफी बड़ा ब्रेकआउट, काफी अच्छा चार्ट पैटर्न, काफी अच्छा दिख रहा था। इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल, कंपनी का थोड़ा शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को जानेंगे एंड कंपनी का रिजल्ट कैसा आया था, क्वार्टर रिजल्ट, उन सभी कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड के बारे में। और बिफोर स्टार्टिंग ये वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ये जो कंपनी है बिलोंग करती है सीमेंट सेक्टर को बिलोंग करती है, और ये जो कंपनी है इज एन सब्सिडरी ऑफ हाइडलबर्ग सीमेंट ग्रुप जर्मनी को बिलोंग करती है, और इनका जो ब्रांड का नाम जो है माइसेम एंड माइसेम पावर ब्रांड के नाम से जानी जाती है। सो दिस वॉज अबाउट द प्रोडक्ट। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 4,328 का है और बुक वैल्यू 64.5 से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। सो जो नेगेटिव है मैंने आपको बता दिया, बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर, लेकिन बुक वैल्यू तभी इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है जब कंपनी डूबने के कगार में हो, आपको लगता है कंपनी बंद जाएगी, तो ऐसी जगह पर ऐसे में निवेश करना नहीं चाहिए, तो बुक वैल्यू तब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम लोग रिजल्ट की ओर मूव करते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आया था, क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, सो ये देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक कीजिएगा तो देखिए लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर से कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर देखिएगा सेल्स जो है 602 से गिर करके 596, यानी कि सेल्स फ्लैट था। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा तो 69 से बढ़कर के 93 था, क्योंकि एक्सपेंडिचर में कटौती हुई थी, तो काफी बड़ा जंप है कंपनी के प्रॉफिट में। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट देखिए तो 35 से बढ़कर के 52, यानी मार्च क्वार्टर से अगर रिजल्ट को कंपेयर करें तो काफी बेहतरीन रिजल्ट था। और अगर जून से कंपेयर कीजिए तो 590 से बढ़कर के 596 हो गया, तो सेल्स में जंप है और नेट प्रॉफिट फ्लैट है, 52 है, यानी कि रिजल्ट जो रहता है वॉज गुड, रिजल्ट अच्छा था क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर से बढ़कर आया था। अगर कंपनी का हम लोग शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे तो ये देखिए प्रमोटर का 69.39 कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है। एफआईआई का स्टेक यहाँ पर देखिए 4.76 मार्च क्वार्टर में था, वो अभी 4.73 यानी कि फ्लैट है लगभग। डीआई ने अपने स्टेक को 10.32 से गड़ा करके 9.04 किया, तो यहाँ पर एक नेगेटिव है कि डीआई ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ढीला किया है, डिक्रीज किया है। और पूरा स्टेक जो रहता है पब्लिक ने 15.38 से बढ़ा करके 16.70, यानी पब्लिक का स्टेक बढ़ गया और डीआई का स्टेक डिक्रीज हुआ है। तो ये था अबाउट ब्रीफली अबाउट कंपनी के बारे में। अभी चार्ट को जरा चेक करेंगे तो ये देखिए कंपनी का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में देखिए ये जो सपोर्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका सपोर्ट निकल कर आ रहा है, ये जो लाइन ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर यहाँ पर रहने से कोई फिर मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो मैं सर कहा ये जो सपोर्ट लाइन है फिर यहाँ रहने से कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि देखिए 180 180 182 का जो लेवल है काफी क्रिटिकल लेवल रहेगा, और वो ब्रीच होगा तो फिर, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इसी जगह पे ये अपना समय बिताया था। तो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट मैंने आपको बता दिया, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज भी मैंने आपको बता दिया है, वीकली चार्ट को जरा मैं दिखाता हूँ वीकली चार्ट क्या है। और दूसरा चीज देखिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर डेली चार्ट में पॉजिटिव है एंड मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव साइड में है। अभी मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, वीकली चार्ट में जो ब्रेकआउट लेवल है सो मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले, ये देखिए। सो ये है वीकली चार्ट एंड काफी सुंदर सा पैटर्न देखिए, यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस मिला, फॉल आया, यहाँ पर एक बेस काफी समय से, बहुत लंबे समय से इसी जगह पे देखिए ये टाइम पास हो रहा था, और टाइम पास करने के बाद अब ये जो रहता है ब्रेकआउट लेवल लगभग 215 का लेवल, अगर ये ब्रेक करता है 215 का लेवल अगर ये टूटेगा ना तो काफी ऊपर का शार्प मूव आएगा, जो कि इसे लगभग 240 से 250 तक का ले जाने की ताकत है। तो चार्ट जो है काफी बेहतरीन चार्ट है, कभी अभी अभी जो रहता है इसमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो ग्रीन कलर टाइम देख रहे हैं अभी जस्ट पुलिस ने स्टार्ट हुआ है, और मूविंग एवरेज देखिए क्रॉसओवर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो ट्रेंड देख सकते हैं। अगर यहाँ से लाइन खींचेगा तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव साइड की ओर जा रही है। मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया है, जब भी कोई गिरावट हो तो आपको स्टॉप लॉस का आपको ध्यान में रख करके ही कोई ट्रेड करना है। मैं आपको बायर सेल रिकमेंडेशन कोई भी आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, यू नीड टू टॉक टू योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिगार्डिंग दिस। उसके बाद है कंपनी का डिविडेंड को चेक कर लेते हैं, तो कंपनी ने अनाउंस किया डिविडेंड ₹7, 7 रुपए का डिविडेंड है, और एक्स डेट है 20 सितंबर 2023। सो अगर आपके पास अगर एक शेयर आपको मिलेंगे 7 रुपए, और जितना शेयर आप उसे मल्टीप्लाई करके अपने डिविडेंड अमाउंट को निकाल सकते हैं। एक्स डेट यानी 20 सितंबर 2023 रिकॉर्ड डेट है या एक्स डेट है, यानी कि आपको अगर डिविडेंड के लिए आप प्ले करते हैं तो आपको इस दिन तक 20 सितंबर तक आपको अपने डीमैट अकाउंट में ये शेयर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आलोक राय साइनिंग ऑफ, थैंक यू।